थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कार्तिक बताइए, कौन कौन सी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू, बोलो, कुछ गड़बड़ी हो रही है नाउ अनुराग, बोलो क्या? फर्स्ट इक्वेशन बताओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, जो ग्राफिकल मेथड से हमने थ्री इक्वेशंस निकाली थी सॉल्व करके प्रूव करके, उसमें पहली इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन? सूर्यांश बताओ। हाँ, u प्लस 80 बोला करो। सेकंड इक्वेशन क्या थी? हाँ, अच्छी बात कही है। थर्ड इक्वेशन क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। माही बिना देखे ये तीनों इक्वेशन बताओ। प्रार्थना तीनों इक्वेशन बताओ। ओके, तो ये हमारी थ्री इक्वेशंस हो गई हैं। नाउ इसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं? इसमें दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और क्या कांस्टेंट है? इनिशियल वेलोसिटी। इनको नहीं बदला जा सकता इस कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया गया है उसमें ये लीनियर था, इससे क्या पता चल गया कि ये v है और ये t है। अगर v t ग्राफ लीनियर है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। और जिस स्पीड से तुम चले हो, इनिशियल वेलोसिटी, क्या उसे बदल सकते हो? बोलो, उसको भी नहीं बदल सकते हो। तो पहली वाली अगर इक्वेशन देखो तो a इसमें क्या है? दैट इज a कांस्टेंट है। और क्या कांस्टेंट है? क्या u भी कांस्टेंट है? U कांस्टेंट है। और क्या क्या चीज़ वेरिएबल है? वेरी क्या क्या कर रही है? ए, क्योंकि अगर मान लो कोई जैसे इस तरीके से चल रहा है कि सबसे पहले 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है जब वो ओरिजिन पर है, और 1 सेकंड बाद उसकी क्या स्पीड हो जाएगी अगर एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड? हाँ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 3 मीटर पर सेकंड। और 1 सेकंड बाद फिर क्या हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसे यू माना जाए और इसे वी माना जाए तो जरा हम ग्राफ बनाएं। तो अब यहाँ पे ग्राफ बनाओ, तो 1, 2, 3, यू को 2 ले लें, 0 पे देख लो कि जब जब बिल्कुल शुरू शुरू में देखा तब उस समय घर से जैसे ही मैं बाहर निकला तो टाइम जब 0 था तो कितनी उसकी स्पीड थी बताओ? वेलोसिटी 2 थी, तो 2 ले लिया, यानी 0, 2, तो ये 0, 2 है, चेक कर लो। अच्छा, 1 सेकंड बाद इसकी क्या स्पीड हो गई? 1 सेकंड बाद 3 हो गई, तो 1 पे मैं 3 लेता हूँ, देख लो, 1 पे 3 लिया, और 2 पे क्या लूँ?
तो टू पे मैं फोर ले लेता हूँ, टू पे फोर, और इन तीनों को मिलाओ, क्या लीनियर ग्राफ बनता है? तो अगर हमारा वी टी ग्राफ लीनियर बना, इससे क्या पता चलता है बताओ? कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया, बोलो। क्या आपकी बुक में जिस ग्राफिकल मेथड से आपने इसे सॉल्व किया है वहां पर भी लीनियर ग्राफ था? तो इससे क्या पता चलता है एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। क्या वी लगातार बदलता चला जा रहा है? कभी थ्री हो रहा है, कभी फोर हो रहा है, वी बदलता चला जा रहा है। और इसमें टू क्या है? क्या यही यू है जिस स्पीड से वो इनिशियली चला था, वो यू? वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन टाइम के साथ साथ वी बदल रहा है। बोलो अनुराग, बदल रहा है कि नहीं? तो इसलिए क्या क्या दो चीजें कांस्टेंट हुई? ए और यू, वी नहीं, ए और यू। अच्छा, ए और यू कांस्टेंट, तो पहली इक्वेशन में क्या क्या चीजें वेरिएबल है जो बदल रही है बताओ? v और t बदल रहा है, तो इस रिलेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस रिलेशन का क्या नाम है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो देखो पेज नंबर 107 की हेडिंग देखो, क्या लिखा है? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखी हेडिंग में लिखा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब अगले पेज पे आ जाओ, अगला रिलेशन क्या कह रहा है? तो अब यहाँ पे देखो माही, बताओ इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? U कांस्टेंट है, और तो क्या क्या वेरी कर रहा है? तो T और S वेरी कर रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? इन्हीं दोनों के बीच तो रिलेशन हुआ कि टाइम बदलेगा तो पोजीशन बदल जाएगी, तो पोजीशन टाइम रिलेशन। सूर्यांश मुझे थर्ड इक्वेशन में बताइए क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं। फिर से बताइए एक बार। एस कैसे? डिस्टेंस नहीं बदलेगी, वो गाड़ी चल रही तुम्हारे घर के सामने ही रहेगी क्या? उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, चलती हुई चीज की क्या पोजीशन फिक्स रहती है? एस तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ देखो बोलो। यू और वी तो नहीं है। कार्तिक बताओ, कार्तिक हाँ, U और A कांस्टेंट है तो वेरी क्या कर रहा है? कार्तिक बताइए क्या क्या चीजें बता। हाँ, V और S वेरी कर रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। अच्छी बात कही है। क्या यही चीज लिखी है 108 पे? एक हेडिंग दी है देखो 8.5.3 में, दैट इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। इसका प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गया है? प्रूफ में तो कोई दिक्कत नहीं है? सर, कोई कांस्टेंट में कैसे पता चलेगा? कोई कांस्टेंट है अगर देखो चीजों से पता चल जाता है कि मान लीजिए क्या कांस्टेंट है। सो अब यहाँ पर हमने देखा कि ग्राफ से नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब हमने शुरू में माना कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इस ग्राफ को बना पाए, वरना ये बढ़ता चला जाता। अगर एक्सीलरेशन बढ़ता चला जाता तो ये कर्व हो जाता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए ये एस और टी का रिलेशन है, और अगर इसका ग्राफ लीनियर हो जाए तो एस बाई टी कांस्टेंट है। एस बाई टी क्या होता है? क्या वेलोसिटी होती है? तो कांस्टेंट है। अच्छा ये मुझे बताओ
यानी इसे आप ये भी कह सकते हो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी की पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है। तो डेल्टा, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस। डेल्टा का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब है डिफरेंस। अब जरा देखो, अगर एस टी लीनियर है देन वी इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि एस बाई टी वी होता है। इफ एस टी ग्राफ इज लीनियर तो क्या कॉन्स्टेंट हुआ बताइए, देन एस बाई टी जिसे कि वी कहते हैं इज कॉन्स्टेंट। बोलो अनुराग, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर समझ में आ गई है तो अब वी टी ग्राफ देखें। नाउ जस्ट 1 मिनट, आप देखिए। कि अगर वी टी लीनियर है तो तब क्या कांस्टेंट है बताओ जरा, वी और टी। तो ऐसे लीनियर निकल जाए तो वेलोसिटी में चेंज, चेंज वेलोसिटी में क्या होता है, क्या वी माइनस यू होता है चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन टी। तो चेंज इन टाइम यानी फाइनल टाइम तो टी है और इनिशियल टाइम 0 था, तो क्या ये ए होता है बताइए। तो इसलिए अगर वी टी ग्राफ लीनियर है तो क्या कांस्टेंट हुआ, उनका रेशो, उनका रेशो किसके इक्वल है भाई, उनका रेशो किसके इक्वल, ये फार्मूला किसका है। हाँ, जैसे यहां पर भी देखा कि ये चीज क्या थी बताओ, S2 - S1। हमने अध्ययन करो ये चीज आपको सिखाई भी थी, T2 - T1 नहीं दिखाया था, यही तो V था, और वही चीज यहां दिखा रहे हैं, V - U T - 0। सो इफ वी टी ग्राफ इज लीनियर तो क्या कांस्टेंट होगा बताओ, दैट इज ए इज कांस्टेंट। और अगर एस टी ग्राफ लीनियर है तो क्या कांस्टेंट है, V। उनका रेशो कांस्टेंट होता है, तो V बाई टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है कि नहीं। सो देन इफ वी टी ग्राफ इज लीनियर देन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। समझ में आ गया अनुराग? अब आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल 8.5 का ही है। 8.5 क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की शुरुआती स्पीड क्या है, किस स्पीड से चल रही है, अब वो तो आप जाने, हमको इतना तो पता नहीं है। हमसे तो वो बोल रहा है क्वेश्चन की स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, वो अभी अभी शुरू शुरू हुई है, तो आप बताएं कि क्या है इसकी इनिशियल स्पीड। बोलो, जीरो है कि नहीं, 0 मीटर पर सेकंड। और अच्छा ये बताओ कि कितनी स्पीड वो अटेन कर लेती है, तो हम उसे चेंज कर लें कि ये कितनी स्पीड अटेन कर लेती है, वी कितना है। ये हो गया, वी को अब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। वी को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाए, ये बात सही है। आप देखो 15/8 अभी भी बोल रहे हो, आपको उस दिन भी पता था कि 5/18 बोलना है, तो या तो अगर आप शॉर्टकट जानते हो तो फार्मूला ठीक जानो। तो उस दिन हमने बताया था कि 72, नहीं तो पूरा फार्मूला लगाओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और ये कितना होता है। 3600। चलो ये दोनों हटे, ये दोनों हटे, अब इसको 2 से कट करो और इसे 2 से कट करो, तो कितना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से 72 को डिवाइड करेंगे, प्रार्थना क्या आएगा बोलो, बताओ। फोर आ जाएगा, 18 4 जा 74 होता है, और फिर 4 5 जा, अच्छा अच्छा पूरा बता, तब तो ठीक है। चलो V आ गया और U 0 ही है।
अब वो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, टाइम भी दे रहा है, टाइम कितना है, 5 मिनट, 5 मिनट में 60 कितने सेकंड होते हैं बताओ अनुराग। तो दैट इज 300 सेकंड हो गए, वी यू और टी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन का कौन सा फार्मूला लगाओगे, कोई ऐसी आपके पास रिलेशन है जो वी यू टी और ए पर आधारित हो? हाँ वो भी हो सकता है, वरना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है क्या? ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें सब चीज डाल दो ए निकल आए, और जैसा आपने बताया ये इस ये और ये एक ही बात है, क्योंकि ए क्या है, v माइनस यू बाई टी, एक ही बात है, ए टी इधर कर लो और u इधर कर लो, क्या वही ना बन जाए, देख लो इसी तो है, ए टी कर लो और प्लस यू कर दो तो उधर वी बच जाएगा कि नहीं, ए टी इधर हो गया और फिर यू भी इधर ले आओ, यही चीज हुई। अच्छा वी की वैल्यू क्या रखूं, चलो यू की वैल्यू क्या रखूं, चलो और नीचे 300 सेकंड, तो ये 20/300 में 0 0 कट कर दो, अब 2/30 कितना होता है? ये सही है, क्यों पर, हाँ पर सेकंड स्क्वायर है, तो पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वो ये भी पूछना चाहता है कि कितनी डिस्टेंस चली गई, और अब हमारे पास ए भी आ चुका है, तो मैं सेकंड फार्मूला लगा देता हूँ। सूर्यांश सेकंड फार्मूला क्या है? कार्तिक बताइए सेकंड फार्मूला क्या है? कार्तिक अच्छा हाफ ए टी स्क्वायर है, यू कितना था, टी कितना था, 300 सेकंड था, और हाफ ए की वैल्यू क्या आपको याद है जो अभी अभी आई है, 1/15, और टी है 300, और 300 का स्क्वायर कर लो, नहीं ये टी का स्क्वायर है, ये का नहीं है, पूरे का थोड़ी ना, पूरे पे होता तो होल पे ब्रैकेट लगता, फिर ऐसे लिखा जाता ए टी का होल स्क्वायर, फिर ये होता, पूरे पे नहीं है स्क्वायर। अब जरा देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये कि ये क्या फार्मूले में ए है और टी पे स्क्वायर है, सिर्फ टी पे है, हाँ तो वो एक्सीलरेशन है, दैट इज 1/15 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, दो टाइम आ जाते हैं ना, ये इसकी यूनिट है। जरा फिर से देखो, क्या ये v माइनस यू था जो कि मीटर पर सेकंड है, और टाइम क्या सेकंड में होता है, और सेकंड अगर ऊपर चला जाए तो ये मीटर पर सेकंड है, और एक सेकंड और ऊपर चला गया तो s माइनस वन हो गया, तो क्या ये v माइनस यू बाई टी और सेकंड पे माइनस वन और माइनस वन हो गया, तो v माइनस यू बाई टी और ये तो यूनिट है, यूनिट का उससे कोई लेना देना नहीं है, यूनिट की जिसकी जो होती वो होती है, वो तो उससे आई, फार्मूला तो ये है ना आपका, बोलो। अच्छा अब यहाँ देखो कि 1/30 हुआ क्या, 2 में 15 का मल्टीप्लाई, तो इंटू 300 × 300 ठीक रहेगा, और 30 से 300 कट कर दो तो क्या 10 आया, तो क्या 10 में 300 का मल्टीप्लाई किया तो 3000 मीटर, कोई मुझे बताएगा कि 3000 मीटर में
कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। चेक कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ ऊपर लिखूँ 1 किलोमीटर और नीचे लिखूँ 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं? अच्छा, मीटर से मीटर कटा, ऐसे लिखना कि ये कट जाए, कभी यहाँ किलोमीटर हो तो उसको पलट के लिख देना, ठीक। अब देखो 30 से 30 कट गए तो कितना आ गया, क्या 3 किलोमीटर आ गया। अच्छा, सूर्यांश कहते हैं कि अगर मैं थर्ड फार्मूला यूज़ करना चाहूँ तो, क्योंकि वो थर्ड बता रहे थे, तो देखें क्या सूर्यांश के मेथड से सवाल हो पाता है। वो कह रहे हैं कि 2As इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो बता रहे थे कि नहीं सूर्यांश? यस सर। अच्छा, 2 × 1/15, एस का पता नहीं है, एस तो पता लगाना है, और वी स्क्वायर कितना है, वी कितना था बताओ, क्या 20 बताया था माही ने, तो 20 स्क्वायर, और यू कितना था। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि 2/15 × s, क्या ये 400 है, ये तो जीरो से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो s क्या हो गया, नीचे की चीज दूसरी तरफ जाएगी तो क्या ऊपर जाएगी, और ऊपर की चीज नीचे, भाई 2 नीचे चला गया, 15 ऊपर, और 2 से ये अभी देख लो वेलोसिटी कितनी दी थी, क्या 72 किलोमीटर पर आवर थी। अच्छा, क्या इसे 72 में 1000 मीटर कर सकते हैं? बोलो, 5/18। ये नहीं, अगर मान लो इसी सवाल को ऐसे करें या ऐसे करें, तो 3 किलोमीटर आंसर आ गया ना। तो सूर्यांश कह रहे हैं कि मुझे सेकंड याद नहीं आ रहा था, मैं थर्ड से करना चाहूँ तो क्या सर हो जाएगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि हो जाएगा क्या। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहाँ आप जाएँ और आप सेकंड इक्वेशन भूल जाए। बोल, 300 तो नहीं है, 3000 है, 3000 मीटर है, तो वो हमने नहीं लिखा। वी वॉन्ट टू डू इट बाई सम अदर मेथड, हमारा जब ए निकल आया तो मैं अब ये मेथड लगा रहा हूँ, ए की वैल्यू तो इतनी आ गई ना, अब मैं ये मेथड लगा रहा हूँ एस के लिए। एस को दो तरीके से निकाला जा सकता है, सेकंड इक्वेशन से भी और थर्ड से। तो ए निकलने के बाद मैं अब यहाँ आ गया, ये मैंने कट कर दिया, मैंने कहा मैं उससे नहीं निकालूंगा, सूर्यांश के मेथड से निकालूंगा। बोलो, बात समझ में आई माही? तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है हो सकता है, तो 2 से इसको कट करो तो 200 हुआ। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा कितना होता है, क्या 30 होता है, तो क्या सही आंसर आ गया। तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। वास्तव में आपके पास दो ही इक्वेशन होती तो भी बात बन जाती, उन दोनों को सॉल्व करने से ही तो थर्ड आई है। तो इसलिए जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर उन्हीं दोनों से ही थर्ड आई है, अगर मैं उन दोनों इक्वेशन को ठीक ठीक सॉल्व कर लूँ देन वी विल रीच एट द थर्ड इक्वेशन। अब आगे की बात देखो, नाउ एग्जाम्पल 8.6 क्या कहता है, कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर से ये 36 किलोमीटर पर आवर जा रही है, तो इसमें u क्या है, v क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या है, टाइम कितना हुआ t, तो हम u को लिखते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 18 किलोमीटर पर आवर में 18 × चूंकि किलोमीटर ऊपर है तो 1000 मीटर लिखो, और नीचे कितना है, आवर है, तो ये चीज कर दी। अब इसको 5/18, 2 से कट किया है तो 18 से 18 कटा तो क्या हुआ, 5 मीटर
तो फिर यू वी कितना हुआ? थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम किलोमीटर की जगह चाहे 5/18 लिखो, नहीं तो 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर। कभी कभी टीचर लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा लिखना ज़्यादा ठीक रहता है। तो 0 0 कट कर दिया और इसे 5 लिखा और 18 लिखा, 18 से इसे 2 को कट कर दिया, तो क्या वो 10 मीटर पर सेकंड है? दोनों चीज़ें आ गई, यू और वी, और टी कितना है? 5 सेकंड। अब कार्तिक ये बताओ इसमें एक्सीलरेशन फिर कैसे निकाली जाए? अब एक्सीलरेशन पूछ रहा है, कोई फार्मूला है? वी माइनस यू बाई टी, चेक करते हैं कि 10 माइनस यू कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम भी 5 है, तो 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, सबकी हमें यूनिट याद रखनी चाहिए। हर सेकंड में इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अच्छा, सेकंड कहता है कि डिस्टेंस, तो माही डिस्टेंस के लिए मुझे एक फार्मूला बताओ, सेकंड इक्वेशन बोलो। सेकंड इक्वेशन बताओगे, उसी में तो ऐसा आता है। हाफ 80 स्क्वायर, तो यू कितना है? देख लो आप, जो भी आप बताएंगे हमें वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में चलना है ना। और टी कितना है? चेक कर लो, जो जो आप कहोगे। 5 सेकंड है। ए कितना है? ये अच्छी बात कही। टी कितना है बोलो? अब सही बात कही, ये है 25, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25/2 पता है क्या होता है? 2 से 25 को डिवाइड करो। चेक कर लेते हैं, 2 2 या 4 1 बचेगा, डेसिमल लगा दो, 0 लगा लो, तो फिर क्या हुआ? दैट इज 2 5 या 10, 12.5 हुआ। तो 25 + 12.5 कितना होता है? 37.5 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस कवर हो गई। तो आंसर हमारा क्या आ गया कि एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस। ये लिखना पड़ता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, एक्सीलरेशन इज एंड बोलो लगा देते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 37.5 मीटर। तो कार्तिक बोल रहे हैं इसे हम थर्ड इक्वेशन से कर लें, थर्ड इक्वेशन से कर लेते हैं। बोलो किसमें? ठीक है ना, स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा। अब जरा चेक करो कि दैट इज 2as क्या होता है? ये दूसरा मेथड, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी तक हमें क्या क्या पता चल चुका है? क्या a पता चल चुका है? क्या u पता है और v पता है? 5 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है? टी की जरूरत नहीं है तो हम टी लिखेंगे ही नहीं, जब टी की जरूरत ही नहीं तो हम लिखें क्यों? ये देखो, अब जरा चेक करो, सारी वैल्यू डाल दो, 2 × 1 × s, s तो पता ही नहीं है, v स्क्वायर की जगह मैं क्या 10 का स्क्वायर लिख दूं? चेक कर लो, और इसकी जगह 5 का स्क्वायर, तो क्या ये 100 − 25 हुआ और ये 2s हुआ, तो क्या ये 75/2 हुआ? क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ कैसे आ जाती?
बोलो बोलो कहाँ लिख करना है, क्या बताओ? ये लेफ्ट साइड, ये टू इन टू एस है, तो अब ये टू नीचे आ गया, टू से डिवाइड करो 75 में, कितना आता है? इतना ठीक है, बोलो ठीक। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 8.7। 8.7 में ब्रेक अप्लाई टू ए कार, ये देखो, टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 m/s² ए दिया है इन द अपोजिट डायरेक्शन। कभी भी जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा, वो आगे थोड़ी ना बढ़ाता है ब्रेक, तो वो ब्रेक एक तरीके का फोर्स है, जैसे कोई सामने से धक्का दे रहा हो गाड़ी को आपकी स्कूटी पे, तो गाड़ी तो रुक जाएगी। ओके, बात समझ में आई? नाउ अभी कुछ ठीक हुई क्या? नाउ इज इट ओके? ये और क्लीन करें। नाउ अब देखो कि कुछ इंप्रूव हुआ। अब देखो तो ब्रेक अप्लाई किए तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है, ब्रेक एक अपोजिट फोर्स है और गाड़ी रुक जाएगी। अब देखो तो 2 सेकंड में वो स्टॉप हो जाती है, 2 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। तो सूर्यांश मुझे ये बताओ कि वी क्या है? अगर किसी गाड़ी पे हमने ब्रेक लगाया और 2 सेकंड में वो रुक गई चलती हुई गाड़ी, तो वी क्या है? 0 m/s। ये बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि अगर गाड़ी रुक गई है तो फाइनल स्पीड 0 हुई। और यू क्या है? 6 m/s। ये तो दी नहीं गई है, वो तो एक्सीलरेशन दिया गया है। एक्सीलरेशन कितना दिया है? U तो नहीं दिया है। हाँ ये भी बात सही है कि माइनस लगाओ, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है और एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से क्या होगा, इसमें क्या लगना चाहिए? माइनस। V आ गया 0 m/s और T कितना है प्रार्थना? 2 सेकंड। तो हमें U निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करूं कि यू आ जाए? प्रार्थना फर्स्ट आ जाएगा, चेक करता हूं। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये सही बात कही, क्योंकि इससे यू तो पता चल ही जाएगा। वी है 0, यू का पता नहीं, ए कितना है? -6, टी कितना है? 2। सेकंड से चेक कर लेता हूं। सेकंड आपने क्या कहा? UT और प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ तो दो चीज़ें अननोन है, तो कैसे पता चलेगा? तो इससे नहीं पता चलेगा। अब ये देखो ये कितना आया, 0 = U - 12, तो 12 को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो U कितना हो गया? 12 m/s। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी चली गई, तो अब हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करें। यह सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस के लिए एस भी पूछा है उसने कि सेकंड डिस्टेंस बताओ, यू कितना आ गया है? 12 है। और टाइम कितना है? चलो ठीक है। और ए कितना है? ये तो आप बताइए, -6 है। और टी कितना है? 2 है। अच्छा 12 × 2 = 24, क्या इस 2 से इसका स्क्वायर कट जाएगा? ये 2 × 2 है।
भाई माइनस सिक्स इंटू टू कर लेंगे, ये टू इंटू टू है ना, टू इंटू टू में से एक टू काट दिया, अब एक टू बचा है कि नहीं, और टू से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या माइनस ट्वेल्व आएगा, और ट्वेंटी फोर में से ट्वेल्व घटाओ जरा, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, इनिशियल स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड द ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड 12 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, गाड़ी रुकने से पहले कितना चल ली ब्रेक लगाने के बाद, 12 मीटर। अगर मान लो बच्चा 12 मीटर से पहले खड़ा तो बच नहीं पाएगा, वो तो उसके नीचे आ जाएगा, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ दूर तक तो जाती ही है, तो इस तरीके से इनिशियल स्पीड इस 12 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज व्हीकल मूव्ड या कार हैज कवर्ड 12 मीटर बिफोर इस गेटिंग स्टॉप्ड, रुकने से पहले बिफोर स्टॉपिंग भी लिख सकते हैं या बिफोर गेटिंग स्टॉप, पैसिव वॉइस है, आगे आपको बताया जाएगा। अब जरा देखो एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहला, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर निकालो 109 पर ही है। नाउ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब इसमें क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए क्या है, चलिए, और टाइम दिया है 2 मिनट, 2 मिनट में सेकंड बताओ प्रार्थना, वन ट्वेंटी सेकंड हो गया, और फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का माही क्या मतलब होता है, क्या चीज जीरो है, हाँ ये सही है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई चीज़ है तो यू जीरो है, और फिर उस पर एक्सीलरेशन लगा वो बढ़ती चली गई, तो यू की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2 मिनट में उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी, द स्पीड एक्वायर्ड इन 2 मिनट, 2 मिनट अगर चली तो कुछ तो स्पीड बढ़ेगी, तो इसके फर्स्ट का आंसर दो ए का, स्पीड एक्वायर्ड के लिए अनुराग में क्या फार्मूला लगाऊं बताओ, कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा स्पीड एक्वायर्ड, चेक कर लें, माही तो कह रही है कि अगर स्पीड कितनी आई है, कितनी उसने स्पीड पा ली, वो कह रही सेकंड लगा दो तो वी पता चल जाएगा, क्या अनुराग आप इसका समर्थन करते हो, वो पूछ रहा है कितनी स्पीड हो गई इसकी 120 सेकंड में, तो 120 सेकंड में कितनी स्पीड उसकी हो गई, मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं कि वी आ जाए, जबकि एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, कौन सा लगा दूं, अच्छा कर लो कार्तिक बता दें, कोई बता दे हम लगा दें, चेक करें जरा, तो V हमें चाहिए भी था, तो V तो इधर रही है, U कितना है 0, A कितना है 0.1 और T कितना है 120 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे अनुराग कितना आएगा, हाँ बोलो, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो
0.1 में 120 का, और राइट से एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। बोलो बात सही है, क्योंकि ये एक डिजिट पहले डेसिमल है तो एक डिजिट पहले, तो इस तरीके से वी आ गया। अब सेकंड कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए सूर्यांश कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा? सेकंड को करो, अच्छा अब देखो u कितना है, बोलो सूर्यांश। u 0 है, t कितना है? 120। a कितना है? अब ये आप जाने क्या है, हम हमको तो मालूम नहीं है। चलो 0.1 लिख दिया। t कितना है? 120 है, उसका स्क्वायर भी होगा। तो क्या ये 0 हो गया और हाफ हो गया इंटू 0.1 और 120 इंटू 120? अच्छा एक डेसिमल हटाओ तो एक जीरो हटाने की फैसिलिटी है क्या, क्योंकि राइट से एक डिजिट है। ये 1/10 ही तो है, 0.1 क्या होता है, क्या 1/10 नहीं होता है? तो ये चीज एक जीरो से हट गई, और 2 से जरा 12 काटो, तो ये जीरो तो हटा दो और 12 से 6 का मल्टीप्लाई करो। कार्तिक ने सही बताया है, तो इतने मीटर आ गया। तो इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हुआ, द स्पीड एक्वायर्ड इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 720 मीटर। द स्पीड एक्वायर्ड इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 720 मीटर। बोलो बात सही है, आगे की बात करो। सेकंड क्वेश्चन, नाउ अगले क्वेश्चन में बता रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, ये है ठीक है। नाउ इट इज मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो तो यू कितना हुआ प्रार्थना, 90 किलोमीटर बताने दिया करो प्रार्थना। अब तो दूसरे पे भी भरोसा रखो, बोलो प्रार्थना यू क्या है? आई थिंक प्रार्थना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अनुराग 25 मीटर, अच्छा आपने बदल लिया, तो यू है, अच्छा ठीक किया है, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 कर दो या पूरा कर लो, मीटर पर सेकंड। तो जिस स्टेप में आप बदलो उस स्टेप में आपको यूनिट भी लिखनी है। ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर यूनिट मस्ट बी मैंशनड इन बोथ द स्टेप्स। यहाँ भी मैंशन करो, यहाँ भी, नहीं तो गलत माना जाता है। 18 से इसे कट करो माही, कितना आएगा? 5/5 = 25। ये अनुराग ने सही बताया, और उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिए गए हैं तो उस पर एक एक्सीलरेशन आ गया है। एक्सीलरेशन कितना दिया है, माइनस। जब भी हाँ ब्रेक अप्लाई किए जाए निगेटिव साइन लगाना एक्सीलरेशन में। फाइंड हाउ फार डज द ट्रेन गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जब वो रुक जाए तो वो कितनी दूर तब तक ये बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, इसे रोक दिया गया है। तो v है 0 मीटर पर सेकंड, तो वो ट्रेन कितना चल लेगी रुकने से पहले,
नाउ वी दिया है, ए दिया है, यू दिया है और एस पूछ रहा है, क्या कार्तिक मुझे कोई एक सही फार्मूला बता दोगे मुझे? बोलो। लेकिन हमें फिर एस भी नहीं पता रहेगा और टी भी नहीं पता रहेगा, फिर मैं कैसे करूंगा? दो दो अननोन आप बता रहे हो, ये सब हमें मालूम नहीं है। थर्ड वाला, थर्ड देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या ये पता है और ये पता है? ए पता है क्या आपको? तो क्या एस पता लगा लोगे कि कितनी दूर चलेगी रुकने से पहले? तो ये सही बताया इन्होंने, ए कितना है? माइनस 0.5। एस का पता नहीं, अब वी कितना है? 0 का स्क्वायर करो, और यू कितना है? 25 स्क्वायर, तो 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रार्थना क्या आएगा? प्रार्थना को बताने दीजिए। आई थिंक शी इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड। माही, 1 आ जाएगा, तो 1s, इट इज 0 स्क्वायर को तो 0 ही लिख लो। ये सही बताया, माइनस 1 आएगा, माइनस तो भूल ही गए थे। और यहाँ क्या आ जाएगा? 25 स्क्वायर, चेक कर लेते हैं, मुझे मालूम नहीं है। 25, 625 आएगा। तो माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 625। माइनस से माइनस गया क्या? तो ये 625 मीटर। तो ट्रेन रुकने से पहले कितना चल लेगी? यस, दैट मीन्स दैट 625 मीटर इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ ट्रॉली विच इज गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, मान लीजिए किसी पहाड़ी से ट्रॉली जा गिर रही है, तो दिस ट्रॉली इज फॉलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे गिर रही है, इसमें कुछ सामान भी है, इट इज फॉलिंग डाउन, ये इंक्लाइन प्लेन से गिर रही। अच्छा, हैज एन एक्सीलरेशन, जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो कितना एक्सीलरेशन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेक करो क्या लिखा है। हमारी बुक में तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नई बुक में चेंज कर दिया गया है क्या? बोलो। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब देखो पर सेकंड स्क्वायर नीचे लिख दिया, क्योंकि माइनस 2 ऊपर लिखो या नीचे लिखो एक ही बात है। अगर वो जब गिरना शुरू करती है तो फ्रॉम स्टार्ट उसकी स्पीड कितनी है? 0। और जब वो नीचे आ जाए तो कह रहा है कि नीचे आने पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वी। देखो, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, तो इस अच्छा कर लो, सेंटीमीटर तो नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि हमें इसे मीटर में बदल लेना चाहिए, तो मुझे बताओ, सेंटीमीटर तो मैं नीचे लिख रहा हूँ और मीटर लिख लूँ ऊपर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा? Yes, और एक्सीलरेशन 2/100 आ जाएगा, और ये मीटर रहा, ये सेकंड स्क्वायर रहा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो बात सही है? लेकिन 2/100 क्या होता है? अच्छा, कितने सेकंड का टाइम दिया है, कितने सेकंड वो चले, और यू कितना है? प्रार्थना आप ज्वाइन हो गई हैं, चलिए यू कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, और वी पता करना है, तो प्रार्थना मुझे ये बता दो कौन सा फार्मूला लगाऊं, ए दिया है, टी दिया है, यू दिया है, वी पता ही नहीं चल रहा, बोलो बोलो कौन है फिर फर्स्ट फार्मूला, क्या है फर्स्ट फार्मूला? तो
ये ठीक है, यू प्लस ए टी, तो वी हमें नहीं मालूम है, यू कितना रखूं? प्रार्थना को बताने दीजिए, ए कितना है, टी कितना है, 3 सेकेंड है, तो ये वेलोसिटी है, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ स्टार्ट, सो इट्स वेलोसिटी विल बी 3/50 मीटर पर सेकेंड होगी, ये होनी चाहिए, तो अगर ये कहीं पीछे गाइड होगी तो पता चल जाएगा, वैसे यही आंसर है। हाँ बोलो। बोलो, 0.02 लिख लो, तो 0.02 लिख लो, यानी कि फिर 3 से कट करना चाहते हैं, बताओ बताओ क्या कह रही हो माही? नहीं सूर्यांश ठीक बता रहे हैं, 3 है, देखो डेसिमल लगाया, सुनो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा, अभी भी नहीं जा रहा है ना, 1 0 लगा के 1 और 0 बढ़ाओ, अब जाएगा क्या? क्या क्या 56 या 300 होता है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.06 लिख सकता हूँ क्या? तो आप यहाँ छोड़ दो या यहाँ छोड़ दो, ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कहता है अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, तो रेसिंग कार की कुछ स्पीड है, बोलो बता दो तो फिर बताएं। अच्छा इसकी क्या स्पीड है? रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दे रहा है, और व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, तो कह रहा है कि अगर आफ्टर स्टार्ट का क्या मतलब होता है, आफ्टर स्टार्ट का भी कुछ मतलब होता है क्या? नहीं, उससे कुछ कुछ मतलब है क्या, आफ्टर स्टार्ट यानी यू क्या है या वी क्या है? यू 0 रहेगा क्योंकि आफ्टर स्टार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो, आफ्टर स्टार्ट, जब भी कोई चीज स्टार्ट शुरू से रेस्ट से चलती है, या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोले तो भी यू 0 है, आफ्टर स्टार्ट बोले। हाँ क्या बोलो बोलो, 2 लिख दो, अगर 2 लिख देते हो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर बताया कि हम सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, देखो 6 आ जाएगा, लेकिन फिर चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, अल्टीमेटली हमने फॉर यूनिट SI सिस्टम में रखी है मीटर पर सेकंड में, आप चाहें कि आप इसे मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो सेंटीमीटर में भी बदल सकते हो। देखो V कितना है, क्या 0.06 मीटर पर सेकंड है क्या? अच्छा मीटर को कट कर दो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्या मीटर से मीटर कटा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 600 आया, और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो तो ऊपर सेंटीमीटर आया क्या, और नीचे सेकंड आया तो क्या 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आया, बोलो बात सही है? अब आप जैसे करना चाहे, हम तो SI सिस्टम में लिखना प्रिफर करते हैं, क्योंकि अभी कहीं जरा सी गलती हो जाए, कोई दूसरी चीज़ मीटर पर सेकंड में दी हो, इसको सेंटीमीटर लिख लो तो सारा सवाल गलत, तो अच्छा रहता है कि सबको SI सिस्टम में बदल दो, नहीं तो टीचर की यही शिकायत है कि देखो सेंटीमीटर में आंसर लिख दिया, इसी में ही कौन नंबर काट ले, तो ये इसमें कोई नहीं काट सकता कि मैंने SI सिस्टम में लिखा है, काट के दिखा दे, पूरी दुनिया में कोई नहीं काट सकता, इसमें काट लेगा, समझ में आ गई बात? अच्छा वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से एक रेसिंग कार चलती है और इस एक्सीलरेशन से चलती है,
और 10 सेकंड तक चलती है, कह रहा है टाइम है 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड है, तो ये पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में वो कितना चल लेगी। अब हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्या इन तीनों चीज़ों से यू ए और टी इनसे एस निकल सकता है, ऐसी कोई हमारे पास है क्या इक्वेशन? चेक कर लें, हमको माही थर्ड बता रही है, मैं चेक कर लूं माही की भी बात, भाई चेक कर लेते हैं, माही की भी बात सही निकल सकती है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ एस और वी दो चीज़ें नहीं पता हैं, तो मैं इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो कैसे आएगा, दो दो चीज़ें नहीं पता तब तो नहीं आ पाएगा ना। तो सेकंड में भी ज़रा देख लें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एस चाहिए, फर्स्ट में तो एस आता नहीं, तो यू दिया है क्या यहाँ पे, टी दिया है क्या, ए दिया है क्या, तो आ जाएगा यू है 0, टी कितना है 10, और ए कितना है, तो 10 का स्क्वायर करो और 2 से इसे कट कर दो, तो ये तो 0 होगा, इधर क्या आएगा, 2 से 100 का मल्टीप्लाई करो तो 200 मीटर चल लेगी। सो द रेसिंग कार विल कवर 200 मीटर इन 10 सेकंड्स, अगर वो एक्सीलरेशन करती है, सो द रेसिंग कार विल कवर 200 मीटर बस इतना आंसर लिख दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर ऊपर फेंका गया। अच्छा, एक पत्थर अगर हमने ऊपर फेंका तो बताओ उसकी स्पीड धीमी होती जाएगी कि ज्यादा? अच्छा, धीमी होती चली जाएगी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस बच्चे ने उस पत्थर को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, चेक कर लो। अच्छा, 5 दी है, 5 लिखो, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 5 मीटर पर सेकंड, और इफ द एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या एक्सीलरेशन को मैं पॉजिटिव लूं कि निगेटिव? ये सही बात है, क्योंकि जब स्पीड उसकी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी खींच रही है और चीज़ आप ऊपर फेंक रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब देखो, तो ये सबसे ज़्यादा हाइट कितनी अटेन करेगी? अच्छा बताओ, जब सबसे ऊपर तुम्हारी बॉल पहुंच जाती है तो क्या वो मोमेंटरली अरेस्ट हो जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो वो पूछ रहा है कि कितनी हाइट वो अटेन करेगी और कितना टाइम लेगी, दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो मैं अब इसमें यू वी और ये दिया है, तो टाइम कैसे निकालूं, टाइम का क्या फार्मूला लगे, कोई है जिससे टाइम निक? हाँ बोलो, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अब देख लेते हैं, अब इसमें हो सकता है हो ही जाए। तो क्या U दिया है, क्या A दिया है, और V दिया है, तो T निकल जाएगा, V 0 है और U कितना है, और A कितना है। अब चलो देखो, 5 को इधर ले जाओ तो क्या -5 हो जाएगा, और ये -10T हो जाएगा, तो T कितना आ जाएगा, बाई -10, ये कट गया 1/2 सेकंड या 0.5 सेकंड आ गया। 0.5 सेकंड में वो ऊपर पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट, इट विल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट इन आधे सेकंड में ही पहुंच जाएगी। अच्छा, टाइम कितना लेगी, अब क्या करें अनुराग, टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएं? अच्छा, तो कितनी हाइट होगी, तो डिस्टेंस के लिए कौन सी लगाऊं?
चेक कर लेते हैं। अनुराग नहीं बता पाए। चलो ये बात समझ आई। अब देखो एस क्या है, यू टी, यू कितना है, किस स्पीड से फेंकी गई, 5, और कितने टाइम लगा उसे ऊपर तक पहुंचने में, क्या 0.5 सेकंड लगा या हाफ सेकंड लगा, तो 0.5 लिख लो। और ए कितना है, ये बहुत अच्छा बताया, माइनस लगा के। और टी कितना लिख दूं, अगर प्रार्थना इतना ही जानती हो तो ये मुझे बता दो 5 में 0.5 का मल्टीप्लाई क्या आता है, बोलो। नहीं प्रार्थना को बताने दो, कितना होगा 5 में 0.5। ये तो आपने ठीक बता दिया। अब आगे बढ़िए, 2 से मैंने इसे कट कर दिया है तो ये तो -5 आ गया। ये मुझे बताओ कि माइनस और ये 0.5 का स्क्वायर प्रार्थना क्या होगा, अनुराग बताओ। सर चेक कर लेते हैं, जीरो, हाँ बोलो, चेक कर लेते हैं, 5 5 या 25, यहाँ एक डिजिट पहले डेसिमल और यहाँ एक डिजिट पहले, देखो एक डिजिट पहले और एक डिजिट पहले, तो यहाँ कितने डिजिट पहले आ जाएगा, 2 डिजिट पहले आ जाएगा, तो 0.25, तो 2.5 और ये माइनस आ गया। सूर्यांश इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -1.25। ये अच्छा बताया है, इट सो बहुत अच्छी कमांड है, जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो कर लो 0.25 और इंटू 5, 5 5 या 25, 5 2 या 10 और 10 में 2 कैरी किया तो 125, तो कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट पहले, तो इस तरीके से वो निगेटिव आ गया। तो 2.5 में 1.25 सब्ट्रैक्ट करो, 2.5 है और ये इनको सब्ट्रैक्ट करो जरा, ये 0 लगा दें, 0 तो लगा सकते हैं ना, अब ये एक कैरी करो तो 5 आ गया और 4 में से 2 गया 2 और 1, तो कितना आ जाएगा, बोलो अनुराग कुछ पूछना है, तो इतने मीटर, तो इस तरीके से द ऑब्जेक्ट विल रीच अप टू 1.2 मीटर हाई, द मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी होगी, 1.25 हाइट अटेंड इज 1.25 मीटर एंड टाइम टेकन फॉर इट, ये बात सही है, इज 0.5 सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अनुराग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है कि पानी की एक बोट है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u 0 मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या कह रहा है, एक्सीलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट, 3 क्या दिया है, इट इज ठीक है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया। अब आगे क्या कहता है, फॉर 8 सेकेंड, तो टाइम भी दे दिया है। अच्छा अब पूछता क्या है, हाउ फार डज इट गो, माही डिस्टेंस पूछ रहा है, सही सही बता दीजिए कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं मेरा काम बन जाए। चेक करता हूँ,
एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू है जीरो, टी है एट, ए कितना है थ्री और टी कितना है एट, एट का स्क्वायर. ये तो जीरो हो गया. अच्छा एट का स्क्वायर कितना होता है, 64 और अपॉन 2, 2 तो नीचे, 2 से इसे कट कर दो तो इट इज 32, 3 जा कितना हुआ. सो इन 8 सेकेंड इट विल कवर 98 मीटर. मोटर बोट इन 8 सेकेंड विल कवर 96 मीटर. अब देखो नाउ सेवेंथ क्वेश्चन पे आइए. सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. अगर आप किसी भी ऊंचाई से एक बॉल को गिरा दो तो इसका यू कितना माना जाए. सिंपली गिरा दिया, छोड़ दिया, क्योंकि आपने छोड़ा है उसको. अच्छा क्या अब इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, क्या अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है. जब जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में कोई चीज आएगी तो ए पॉजिटिव होगा और ऊपर फेंकोगे तो ए क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि वो उसकी स्पीड को ग्रेविटी रोकेगी. अच्छा और क्या दिया है, जब ये स्क्वायर कर लो, और यहाँ पर अगर बॉल टकरा जाती है ग्राउंड पे तो टक्कर मारते समय इसकी स्पीड क्या होगी पूछ रहा है. व्हाट विल बी व्हेन एस कितना दिया है, 20 मीटर दिया, वी पूछ रहा है. ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी अनुराग जो मेरे लिए वी निकाल दे. कौन सा फिर से बताओ, कोई अच्छी क्वेश्चन आप बता रहे, बताओ कौन सी है. ऐसा कुछ सही नहीं है. कार्तिक बताओ, कार्तिक हमें थर्ड बता दिया कार्तिक ने. 2as is v square minus u square. फर्स्ट से s कैसे निकालोगी. अच्छा देखो माही आपकी बात हमने मान ली है कि फर्स्ट से निकालेंगे. माही ने कहा कि फर्स्ट और सेकंड से निकाल लो और कार्तिक ने बताया थर्ड से. तो पहले मैं कार्तिक की कर लूँ फिर माही की कर लूँगा. तो पहले कार्तिक, कार्तिक ने बोला कि एक ही से काम बन जाएगा और माही ने कहा कि पहले फर्स्ट से टी निकालो और टी निकल जाए तो एस निकालो. तो माही की भी बात सही थी, लेकिन पहले मैं जो सिंगल से जो बता रहा है कि एक ही से निकल जाए तो उसी से क्यों ना निकाल लें एस. तो हम वी निकाल लें, क्योंकि अब देखो मान लो मैं फर्स्ट पे जाऊंगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो टाइम मान लो मैं निकालने जाऊंगा कि वी क्या है और टाइम हमें पता ही नहीं है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, दो चीजें नहीं पता होंगी, मैं निकाल लूंगा क्या, बोलो माई. दो चीज नहीं पता होगी तो कैसे तुम वी निकालोगी. इससे अच्छा यही कर लो तो वी आराम से आ जाएगा. 2as 2 इंटू 10 इंटू 20 और वी कितना है पता ही नहीं. अभी यू कितना है, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 तो 20 इंटू 20. अच्छा अब इस पे रूट लगा दो तो जो चीज जोड़े में होती है रूट के बाहर क्या हो जाती है. तो जब ये जमीन पे टकराएगी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड.
क्या सूर्यांश आप मुझे ये बताएंगे कि इसको कितना समय लगेगा जमीन में टकराने में? ये बहुत अच्छा बताया। और जिसे अगर तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन ना पता हो तो वो क्या करे? 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी होगी? लो माई ने पूरी बात कह दी कि 1 सेकंड बाद 10, क्योंकि एक्सीलरेशन हर सेकंड में स्पीड बढ़ाता है, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? और फिर एक और सेकंड बाद, लो सूर्यांश ने भी यही बताया कि 2 सेकंड में आ जाएगी, क्योंकि सूर्यांश ने कहा कि 1 सेकंड में 10 और अगले सेकंड में 10। बोलो है बात। वी माइनस यू बाई ए से टी टाइम निकाल सकते हैं, दैट इज 40, बट हमें टाइम तो नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? दैट इज एस, एस ही पूछा गया। देखो टाइम तो नहीं पूछा है ना, कि टाइम भी पूछा गया है? टाइम पूछा गया है, तो टाइम भी निकालो। टाइम के लिए अनुराग बता ही रहे हैं, वही लगा देते हैं। तो 20 सेकंड है, और एक फार्मूला फर्स्ट लगाओ। बेहतर है कि जो फार्मूला है वही लिख दें, फिर उससे टाइम निकाला आएगा। तो v इज इक्व टू u प्लस ए टी, तो उसके जो ओरिजिनल फॉर्म में ही अनुराग लिखो। अच्छा v कितना है? जमीन पे जब टकराई तो 20 से टकराई क्या, और छोड़ी गई थी 0 से? a कितना है? 10, टाइम का पता नहीं, तो 20 इज इक्व टू 10t है क्या? तो t कितना हुआ? 29, 10. तो t कितना हो जाएगा? 2 सेकंड हुआ। सो इट विल टेक 2 सेकंड एंड इट विल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड विथ 20 मीटर पर सेकंड। इट विल टेक 2 सेकंड एंड विल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड विद 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हो गई। अब आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। 5 में कहा गया है ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। दो दो कार हैं और दूसरा भी ड्राइवर है, तो ड्राइवर वन और ड्राइवर टू की अलग अलग बात करो। आगे पढ़ो, अनदर ड्राइवर आगे लिखा है, देखो अनदर ड्राइवर तीसरी लाइन में पढ़ो। तो पहला ड्राइवर किस स्पीड से चल रहा है? फिफ्टी टू किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और दूसरा ड्राइवर कितने चल रहा है? 3 से नहीं चल रहा है, 3 नहीं, उसे मिसप्रिंट है, उसे ठीक कर लो। 36 किलोमीटर पर आवर, 3 से तो कोई चलता नहीं है। तो अब ये है, और ब्रेक लगा दिया और फिर वो 5 सेकंड में रुक गया। अगर 5 सेकंड में, बोलो किसकी बुक में? अनुराग की बुक में 34 है क्या? बोलो अनुराग आपकी बुक में 34 है क्या? तो नई बुक जो आई है उसमें फिर हम 34 प्रिंट में है ना, हाँ तो 34 लिखो, इसका मतलब है नई बुक में प्रिंट होके आ गया। 34 किलोमीटर पर आवर, तो 52 को आप मीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या करें? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो दोनों जगह फिर यूनिट लिखना। अब 18 से इसे कट करो, 2 से कट करो, तो 26/9, इसको मल्टीप्लाई करो, 5/6 = 30 और 5/2 = 10, सो विल इट बी 130/9? बोलिए 130/9 को अब हमें डिवाइड करना होगा, एंड वी हैव टू नाउ, तो इसको डिवाइड कर लें
9 से डिवाइड करो, 9 1 या 9 और 40, तो 9 4 या कितना हुआ 36, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाओ तो 9 4 या 36, तो 36 इतना ही छोड़ दो, 14.4 आ गया। अच्छा सेकंड केस देखो, यू कितना है, इसको भी 2 से करो, 17.5 या कितना होता है। अच्छा 9 से 85 में डिवाइड करो, तो 9 9 जा फिर 4 बचा, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाओ तो 9 4 जा 36 हुआ क्या, यहीं पर छोड़ दो, तो ये 9.4 मीटर पर सेकंड है। और दोनों ही ट्रक रुक जाते हैं, पहला ट्रक कितनी देर में रुकता है जरा देखो, तो कितना टाइम लेता है, और वी क्या है पहले ट्रक के लिए, जीरो है, 0 मीटर पर सेकंड। और दूसरा वाला ट्रक कितनी देर में रुक रहा है 10 सेकंड, और उसके लिए भी क्या है, इतनी बात दी गई है। अब जरा हम देखें कि कह रहा है कि इसके लिए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ले लो, स्पीड वर्सेस टाइम, तो अब हम एक ग्राफ बनाएं, वन टू थ्री, हमको 14 तक जाना है, 4 5, यानी जैसे कि आप ऐसा कर लें कि 9.4 है, तो दोनों की स्पीड हमको दे दी गई है। अब एक की है 14.4 और एक की कितनी है, टू का ले सकते हैं, तो अगर टू से लेंगे तो टू से इसे डिवाइड भी कर देंगे, मान लो मैंने टू टू कर लिया, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 मैंने ले लिया, तो 14 का आधा कितना होगा बताओ, 14 के मिडल में क्या, 14.5 नहीं, 15 होगा, फोर्टीन होगा, फोर्टीन और 16 के मिडिल कितना होगा, 14 और 15 के मिडिल कितना होगा, 14.4 ये होगा 14.5, और उससे थोड़ा सा कम लोगे तब 14.4 आएगा, बोलो बात समझ में आई। ये बताओ 8 और 10 का मिडिल क्या होगा, और हमें चाहिए 9.4, और 9 और 10 का मिडिल क्या है, तो 9.5 तक ना चले जाना, 9.4 पे ही रुक जाना। और नीचे टाइम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक। ये टाइम हो गया इन सेकंड, और दूसरा क्या हो गया, दैट इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई, अब देखिए, तो 14.4 है, तो क्या मुझे 14.5 जाना चाहिए, चेक कर लो, ये नहीं जाना चाहिए, 14.4 रहना चाहिए, तो मैं इससे थोड़ा सा नीचे एक डॉट लगा लूं, यानी 0 सेकंड में जब मैंने देखा बिल्कुल शुरू शुरू में, तो टाइम पहले लिखो और बाद में स्पीड लिखो, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले लिखी जाती है ना, और वेलोसिटी बाद में, टी है ना एक्स एक्सिस, तो 14.4, और बताओ कितने सेकंड बाद वो रुका, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में उसकी स्पीड 0 हो गई क्या, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि 0 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, जरा इसके लिए एक टेबल तो बना लो, जब टाइम शुरू का था और स्पीड 0
जीरो सेकंड में 14.4 थी और 5 सेकंड में क्या जीरो हो गई? बोलो, 5 सेकंड में रुक गया ना वो, तो 5 सेकंड पे इसे रोक दो, 5 सेकंड में इसकी स्पीड जीरो लिख दी। बोलो सही है बात? और जीरो सेकंड में फुल, जब शुरू में देखी ट्रक फुल, 5 सेकंड बाद रुक गई, जीरो कर दी स्पीड। इसको यहां से मिला दीजिए, सो दिस विल बी द लाइन, तो यहां से इसको मिला दो। ये ड्राइवर वन है, तो इस पे आप लिख दीजिएगा ड्राइवर वन। तो ये हो गया ड्राइवर वन। अच्छा अब देखो कि 9.4 कहां लें, क्या 9.5 से थोड़ा नीचे ले लें? तो 0 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी है, क्या 9.4 है? और 10 सेकंड बाद ये रुका, तो अब इसके लिए भी एक टेबल बनाओ। जब टाइम क्या था, जीरो, तो इसकी स्पीड कितनी थी, और जब टाइम 10 है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? जीरो। नाउ वी विल मेक, जब 10 सेकंड हो जाएगा तब इसकी स्पीड जीरो करेंगे, जरा देखो। तो 10 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी है? जीरो। और इन दोनों को मिला दो, 9.4 से 10 को मिला दो। ये देखो 9.4 हमने लिखा है, 0, 9.4, और ये 10 है, तो इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये एक ग्राफ बना लिया। ये कौन से ड्राइवर की हुई? अच्छा ड्राइवर टू हो गया। अब वो पूछ रहा है कि किसने ज्यादा चला, सो ये मुझे बताइए कि द ए, देख लेते हैं, एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ को क्या कहते हैं? तो अब जरा इसी से कैलकुलेट करें, यही हमारा फार्मूला है। वी नो दैट एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ, सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, कवर्ड नहीं लिखना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड। तो मान लीजिए कि जो हमारा पहला ड्राइवर है दैट इज कवरिंग दिस एरिया, उसने ये एरिया कवर किया, ये एरिया कवर कर लिया। तो जो पहले ड्राइवर ने एरिया कवर किया है, बताओ हाइट कितनी है? 14.4। अच्छा बताया है, दैट इज एस वन, दैट इज ड्राइवर वन ने कितना कवर किया है, तो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बताओ, बेस भी तो बताना पड़ेगा, और हाइट कितनी है? 2 से कट करो, 7.2, 7.2 को जरा 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, और 5 7 जा 35, का 36 आ गया, ब्रेक लगाया 36 मीटर में रुक गया। और S2 निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बताइए बेस कितना है और हाइट कितनी है? 9.4 है, तो 2 से जरा कट करो, 4.7 आ गया, क्योंकि 2 4 जा 8, और फिर 14, और 4.7 का 10 में मल्टीप्लाई करो, 47 मीटर। तो किस ड्राइवर ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की? हाँ, सो ड्राइवर टू हैज कवर्ड, और ड्राइवर टू को ने भी जो डिस्टेंस कवर की उसको भी शेड कर दो, क्योंकि एरिया अंडर वीटी कर्व इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। So driver 2 has covered
मोर डिस्टेंस। बोलो बात समझ में आ गई? तो कल तो एसएसटी करेंगे और परसों ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद भी एसएसटी। कल एसएसटी रहेगी। ओके थैंक यू, गुड डे बेटा। yes,